ओम शांति। आज 15 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अव्यक्त मिलन दिवस भी है। हम सभी अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त स्थिति में रहकर मुलाकात करेंगे, साइलेंस में रहेंगे, आँख खुलते ही इस खुशी में रहेंगे, मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान मुझसे मिलने आते हैं, भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। बाबा को बहुत प्यार से वतन में जाकर निमंत्रण देंगे, अनुभव करेंगे बाबा मेरे साथ हैं, बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। और एक नज़र जो बाबा ने पहले होमवर्क दिया उसको ज़रूर पूरा करेंगे, अपने समय और संकल्पों की बचत करेंगे, एक सेकंड भी वेस्ट ना जाए। उस एक सेकंड में एक की याद में रहना है। आज संध्या काल में हम सभी सूर्य भाई साहब की क्लास भी सुनेंगे 5 से 6, तत्पश्चात अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे, सभी डायरी पेन लेकर बैठेंगे और उसी समय दृढ़ संकल्प कर लेंगे, जो बाबा ने कहा ये मुझे अभ्यास का कार्य जरूर करना है। जब हम वो अभ्यास का कार्य करते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं, तो बाप दादा की दृष्टि से हमें वरदान प्राप्त होते हैं। जैसे बाबा ने पहले हमें ड्रिल सिखाई कि हर घंटे में बीच बीच में अभ्यास करो, ठीक इसी तरह अब जो बाप दादा हमें सुनाएंगे वो हमें करना ही है। पूर्व में ही दृढ़ संकल्प करने से बाबा की बहुत मदद मिलती है और परिवर्तन प्रारंभ होता जाता है। जो भी कमजोरियां हैं वो समाप्त होती जाती हैं। बाबा ने जो हमें व्यर्थ को दूर करने की बात कही थी कि आप बच्चों को व्यर्थ से मुक्त हो जाना है, तो उसका रिजल्ट बाप दादा को देना है। मेरा व्यर्थ कहाँ है उसको चेक करके निकाल देना अपने अंदर से और समर्थ आत्मा बन जाना है। आज बाप दादा के महावाक्यों में बहुत सुंदर सी बात बाबा सिखा रहे हैं कि बच्चे बाबा से योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। बुद्धि योग की यात्रा है ये, चलते फिरते भी बुद्धि योग बाबा से लगाओ, लेकिन जब आप बैठते हो तो आपकी बुद्धि एक बाबा पे एकाग्र होनी चाहिए। इससे आत्मा में घृत डलता रहता है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान योग का घृत डालना है। वैसे तो जैसे कोई बैटरी लो हो जाती है, उसको चार्ज करते हैं तो उसमें लाइट आ जाती है, ठीक इसी तरह आत्मा रूपी बैटरी को बाबा की याद से चार्ज करते रहना है। इसमें फुल रोशनी आने में टाइम लगता है। आत्मा के अंदर जो कमजोरियां हैं वो याद से समाप्त हो जाती हैं। बाबा सर्वशक्तिवान है, पावरफुल है, बिना याद के आत्मा की कमजोरियां समाप्त नहीं होती, आत्मा में बैटरी भरती नहीं। चलते फिरते भी याद करो और बैठकर भी एक की याद में शक्तियां स्वयं में भरो। राम राज्य मनुष्य चाहते हैं, राम राम जपने से राम राज्य नहीं आएगा, लेकिन राम को याद करने से, पहचानने से आएगा। मनुष्य भक्ति में कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, पर वो मात पिता कौन है? कब आकर निराकार परमात्मा मात पिता बनते हैं ये राज आप बच्चे जानते हो। जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा हमारे पिता हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा से सुख घनेरे। संगम पर परमात्मा कैसे मात पिता के रूप में है, फिर ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ भी है। ये सारे राज समझने हैं और एक बाबा को याद करते करते आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। एक की याद में रहेंगे तो सार स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, एक रस स्थिति बन जाएगी। एक की याद में इतने मगन हो जाओ कि दुख की लहर छू भी ना सके। हम सुखदाता के बच्चे हैं, स्वप्न में भी सुखदाता याद आए, उसका दिया सुख याद आए, सेवा याद आए, ऐसी एकरस स्थिति के द्वारा
आप सार स्वरूप बने। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान योग का घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। क्वेश्चन है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना, तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात, तुम अब दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते, बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोझरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योत जो उझाई हुई है वो आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाता है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है, वैसे ये भी मोटर है। इनसे अब घृत खत्म हो गया अथवा पावर कम हो गई। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिवान कहा जाता है। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर नहीं आ सकती। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा ले लो। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझसे वर्षा ले लो। मन मना भव, कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं, कहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़े आएगा। ऐसे राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए, गंगा के कंठे पर बैठकर भी करते आए। ये तो किसी को पता ही नहीं राम राज्य किसको कहा जाता है। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे। उनके बाद में सीता वाला राम वाला राज्य उनकी बुद्धि में याद आ जाता है। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। राम राज्य में अगर सीता चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा? यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी चोरी थोड़ी होती है। ये लोग फिर राम सीता के लिए कह देते, ये समझने की बातें हैं। वास्तव में राम तो परमपिता को कहते हैं। आत्मा रूपी सीता जब पांच विकारों के वशीभूत हो जाती है तो कहा जाता है राम की सीता चोरी हो गई। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता कौन सा किसके लिए गाते हैं? ये तो है लौकिक मात पिता, उनकी तो ये महिमा नहीं हो सकती। एक तो लौकिक मात पिता होते हैं, उनकी महिमा नहीं हो सकती। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक मात पिता का। पूछते हैं हु इज क्रिएटर तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना मात पिता है। इस समय ही दो मात पिता होते हैं, सत्युग में एक ही मात पिता। सत्युग में कोई पारलौकिक मात पिता को नहीं जानते, केवल लौकिक मात पिता। लौकिक मात पिता होते भी यहाँ गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं, फिर एक मात पिता हो जाता। पारलौकिक मात पिता द्वारा
सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं, उस मात पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। हम सबकी बहुत बड़ी भूल, जिनसे सुख घनेरे मिलते हैं, ऐसे मात पिता को याद करना भूल जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम बाला है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाबा और वह पारलौकिक परम पिता। वो फिर मात पिता कैसे बनते हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई भी आते हैं तो पहले पूछो, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता से क्या संबंध है। जब अम्बा भी गुप्त है तो ये ब्रह्मा भी गुप्त है, ये ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं, अब तुम उनको पारलौकिक मात पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन सब बताओ। पारलौकिक मात पिता का नाम रूप देश काल सब बताओ। मम्मा की भी ये बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो मात पिता कंबाइंड हो जाते। इनको मात पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। किसको समझाने की बहुत युक्तियाँ चाहिए। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ये हमारे मात पिता भी हैं, बाप दादा भी हैं। ये बात समझाने के लिए युक्तियाँ चाहिए, बड़े बोर्ड पे लिखना चाहिए। निराकार परम पिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो मात पिता कैसे हैं। इतनी भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती, ओ परम पिता परमात्मा, वो भी है आत्मा परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम, वह परम धाम में रहने वाला है। वो खुद जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, आकर हम बच्चों को पतित जन्म पुनर्जन्म से छुड़ाते हैं, पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते, पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता। मनुष्य राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियाँ सीताएँ हैं, याद करती हैं एक साजन परमात्मा को। सब आत्मा याद करती हैं एक परमात्मा को। बाबा कहते, बच्चे इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं, रावण को जलाते भी यहाँ हैं। लंका हिंदुस्तान में नहीं, मैं तो बोधियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है, सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, ये सब बातें बुद्धि में रखने की हैं। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। रावण का अर्थ है पांच विकार। बाबा की याद से रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से और कैसे पाई। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों के अंदाज में होंगे। यमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहाँ कोई विकार होता ही नहीं, कहा ही जाता संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से होते हैं, वहाँ रोना पीटना कुछ नहीं होता। परंतु पहले ये बातें नहीं निकालनी, पहली बात ये उठाओ कि निराकार परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं। शिव बाबा भी, हम आत्माएं भी परलोक से यहाँ आती हैं। तो तुम्हारा पारलौकिक परम पिता से क्या संबंध है, नंबर वन बात है ये। पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्से का संबंध निकलेगा। एक अल्लाह को भूलने से सब कुछ भूल गए, अल्लाह अल्लाह को भूल गए सब कुछ भूल गए। रावण ने पहले पहले अल्लाह से ही भुलाया, फिर अल्लाह की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। शिव बाबा कर अपना परिचय देते हैं, उनकी मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने के पॉइंट्स तो बहुत हैं, प्रदर्शनी में मुख्य बात अल्लाह की समझानी है। अल्लाह के बाद ही बेते आता है। अल्लाह को नहीं समझा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, कितना भी भले माथा मारो। परम पिता है तो पिता से वर्षा मिलता है, बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन जाते। त्रिमूर्ति पे समझाना कितना सहज है, ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, ये विष्णु खड़ा है।
बाबा कहते मुझे याद करो तो वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा दोगे? बच्चे मैं इस ब्रह्मा द्वारा देता हूँ। अपने सामने चित्र लाएंगे त्रिमूर्ति का, ऊपर शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा, शिव बाबा कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें वर्षा देता हूँ, जो आए उनको इस बात पे समझाओ। मूल बात त्रिमूर्ति की है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं। बाप समझाते ये निराकार शिव बाबा, उन्हें ज्ञान सागर कहते हैं। फिर ये वर्षा है, अब बाप तो है निराकार, फिर लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से आया? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम तो बीके हो। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की ही कही जाती, जहाँ खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी, ये किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे, दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना, जब जिसको चाहे वो यूज़ करेंगे, बंधन थोड़ा ही है। तो पहले है ब्रह्मा की बात, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा ज्ञान सागर, गीता ज्ञान दाता है। वो कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, ये ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे, ये तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, समझानी बहुत सहज है। ये शिव बाबा और ये वर्षा, ये शिव तो निराकार है इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, जरूर अभी ही राजयोग सिखाते हैं ये बनने के लिए। ये शिवपुरी और ये विष्णुपुरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है अल्लाह की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अल्लाह का परिचय देना है। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। आज का वरदान, एक बाप की याद द्वारा एक स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक बाप की याद द्वारा एक स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक स्थिति में रहने का सहज तरीका है एक की याद। एक बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। बाबा में सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप, दूसरा ना कोई, ये एक की याद एक स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं, उनके पास कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। उनके स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, एक की याद में एक रस रहना है। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते शक्तिशाली आत्मा बनना है। बाबा का आह्वान करते रहेंगे और सार स्वरूप में स्थित रहेंगे, ताकि एक रस अवस्था बनी रहे। अब है मातेश्वरी जी के महावाक्य। परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों ना विन करें? देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम वैकुंठ में तो आ जाएंगे ना।
परंतु को सोचना चाहिए, परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें, वो है विजयमाला में पिरोए जाना। बाकी दो लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख ले लूँ, वहाँ भी बैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे, ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाला क्यों कतराता है? तब श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। देंदा दे, लेंदा थक जाए। देने वाला दे रहा है, लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों ना चाहेंगे कि हम भी ये पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी माया कितने विघ्न डालती। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, माया ने सारा सार निकाल दिया, तब परमात्मा आते, सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रसना मिलती है, तभी त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। ये महिमा उस परमात्मा की है, तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। एकाग्र हो जाएंगे एक मिनट के लिए, चिंतन करेंगे, एक की याद में स्थित, मैं सार स्वरूप आत्मा हूं, बाबा में सर्व संबंधों का सार है, सर्व प्राप्तियों का सार है। उस बीज रूप पर एक मिनट के लिए एकाग्र हो जाएं, महसूस करें सुखदाता की सुख की किरणें मुझ में आ रही हैं, समा रही हैं। मैं एकरस स्थिति में स्थित हूं। ओम।